हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बनाया गया क्वेश्चन का सेटअप है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेटअप चल रहा है ये। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपके कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 मार्क के आते हैं, तो आपके कम से कम 6 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो ध्यान से इस चीज को देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। पहला क्वेश्चन है, लिखा अर्धचालक में संयोजकता बैंड मतलब वैलेंस बैंड और चालन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है। देखो, पहला वाला ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही जवाब है। शून्य तो होता नहीं, शून्य या नगण्य होता है कंडक्टर में, और यहाँ पे अर्धचालक की बात कही गई है, तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा नहीं। तीसरे वाले में है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये और ज्यादा है। तो सही जवाब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी गैप होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब देखो, जो जीरो या लगभग शून्य या नगण्य जो होता है वो चालकों में होता है, कंडक्टर्स में होता है। तो पहली चीज ये। दूसरी, सेमीकंडक्टर की, तो 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है ये, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें। और जब हम बात इंसुलेटर की करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जिसमें भी होंगे वो सब इंसुलेटर की श्रेणी में होते हैं। ये तो ये अलग अलग इनके जो एनर्जी गैप होते हैं। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, ये अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से है। सवाल है, 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी के प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्यावर्ती वोल्टता इतना लगाई गई है, V बराबर 10√2 sin 200 t, तो V तथा I के बीच का कालांतर क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो इसमें आपको ये मिलेगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट हमको दी गई है, उसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और एक इंडक्टर जुड़ा है। दैट मीन्स सर्किट इज LR सर्किट। ये एक इंडक्टर जुड़ा है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, और इन दोनों को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा गया है। और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा गया है, दैट इज 10√2, ये है sin 100 sorry 200 t, इतना है। तो अगर हम इसका जो जनरल वोल्टेज का इक्वेशन V बराबर V0 sin ωt से कंपेयर करें, तो ओमेगा के स्थान पर कितना है, 200, इतने रेडियन पर सेकेंड। यहां देखो, V बराबर इक्वेशन होता है V बराबर V0 sin ωt, तो यहां देखो T के स्थान पे T है, ओमेगा के स्थान पे कितना है 200, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 200। ओके, अब हमसे सवाल में क्या क्या चीज दिया गया है यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमको सवाल में दिया गया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 200 ओम, ये इंडक्टर ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम, 1 हेनरी। जो इंडक्टेंस है वो है 1 हेनरी, इसके बराबर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो V तथा I के बीच कालांतर क्या, ये LR सर्किट है। LR सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है, इसका फार्मूला होता है फाई बराबर टेन इनवर्स XL/R, ये इसका फार्मूला है फेज डिफरेंस का। तो यहां से फाई बराबर टेन इनवर्स XL बराबर ωL/R, वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ωL। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला कितनी है 200, यहाँ पे कर देंगे 200, एल का मान 1, आर का मान है 200, तो ये इसे कैंसिल आउट होगा। यहां से हमको मिलेगा फाई बराबर टेन इनवर्स 1, और 1 कितने अंश की वैल्यू है, π/4 या 45 अंश की, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश, ये इसका सही जवाब होगा। तो 90 गलत जवाब, 60 गलत जवाब, 30 गलत जवाब, 45 ही सही ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2।
आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या चीज दिया गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर थ्री में हमको दिया गया है कि जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है, यानी कि क्वेश्चन सेटअप में कुछ फॉल्ट है, दो ही ऑप्शन दिया गया है, उसे चार ऑप्शन होने चाहिए। खैर इसी में आपको सही जवाब मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि एक प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है तब उसकी तरंग दैर्ध्य। देखो बच्चों, अगर प्रकाश की किरण वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य मीडियम में जाती है, वायु या निर्वात लगभग इनके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स समान ही होते हैं, तो लगभग समान होते हैं, एग्जैक्ट नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि निर्वात से किसी माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वेवलेंथ का, अगर हम ये कहें कि लैम्डा यम जो है ये वेवलेंथ इन मीडियम है, वेवलेंथ इन मीडियम मतलब माध्यम में तरंग दैर्ध्य है, और लैम्डा ए निर्वात में अथवा वायु में वेवलेंथ है, ये है वेवलेंथ इन एयर, और जो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, माध्यम का जो अपवर्तनांक है, इसको हम मान ले यन, तो तीनों के बीच रिलेशन होता है बच्चों, मैं रिलेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रिलेशन होता है यन बराबर लैम्डा ए बटे लैम्डा यम, ये फार्मूला होता है। यहां से अगर हम लैम्डा यम की वैल्यू फाइंड करें, ये होगा लैम्डा ए बाई यन, तो यन से डिवाइड हो जा रहा है, तो एयर का जो वेवलेंथ है, जब यन से भाग कर देंगे तो कम हो जाएगा, तो जाहिर सी चीज है लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो क्या लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, बढ़ जाती है, वही रहती, कुछ नहीं होती। तो क्या अगर ऐसे ऑप्शन दिए गए हो, दोठ दिए गए, दोठ हम अपने से बना देते हैं कि वही रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो तो दोनों होंगे नहीं। तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, हमने देखा कि ऐसा होता नहीं है, घट जाती है, गलत जवाब। तरंग दैर्ध्य कम हो जाती, यही वाला जवाब सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन वन। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या चीज लिखा है? क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है बच्चों, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को, दो गोले हैं, एक गोला है ए और एक दूसरा गोला है बी, दोनों मेटल के गोले, इनको क्रमशः प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। इनका द्रव्यमान मान लो पहले यम ए था मास ऑफ ए, और इसका द्रव्यमान यम बी था, आवेशन के पश्चात इनके मास यम ए और इतना हो गया हो, तो एम ए एवं एम बी में क्या ज्यादा होगा? अगर आपको चार्ज की डेफिनेशन पता है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में अगर आप जानते हैं, तो बच्चों एक चीज पता होगा कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है, चार्ज मास के ऊपर ही आता है, अगर मास नहीं है तो फिर चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब चार्ज एंड मास आर को एग्जिस्ट, ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अब चार्ज में दो तरीके के चार्ज होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आता है, मतलब ऐसा हो रहा है कि परमाणु से या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन कण है, इसके पास कुछ मास होता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकलने की वजह से प्लस चार्ज आता है, अब जब प्लस चार्ज आ रहा है तो उसका मास पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब मास निकल जा रहा है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद निगेटिव चार्ज की बात करें, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से आता है, किसकी वजह से, अधिकता, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से निगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता तब होती है जब पदार्थ बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो आंसर इलेक्ट्रॉन तो मास होता है, मतलब वो भी पार्टिकल है, उसका कुछ मास होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा पदार्थ तो मतलब मास और उसमें इन्वॉल्व हो रहा, मास इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके बाद उसका मास जो होगा वो बढ़ेगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दो अगर पदार्थ हैं, दोनों के मास शुरू में सेम थे और एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए, एक को निगेटिव चार्ज दे दिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, निगेटिव का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो जिसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसका मास कम होगा, वो धनावेशित हो जाएगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसका मास अधिक होगा और वह ऋणावेशित होगा। तो इन दोनों के मास का आपस में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का मास हो जाएगा कि जो एम ए है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू एम बी, ये वाला रिलेशन सही है। तो पहला वाला जवाब देख रहे हैं गलत है, एम ए तो ज्यादा नहीं होगा, एम बी वाला ये सही है और ये वाला गलत जवाब है। ओके, तो इस तरीके से बहुत बहुत बड़ा होने का मतलब ये है बच्चों। अब देखो एम ए इज वेरी वेरी, तो ये तो गलत है, तो कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर थ्री, थ्री वाला जवाब सही होगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है बच्चों, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। तो अपवर्तन कोण क्या होगा, मतलब हमसे क्रांतिक कोण की बात कही जा रही, तो क्रांतिक कोण वह विशेष आपतन कोण होता है, सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। तो उसी विशेष आपतन कोण पर, इस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो पहला वाला जवाब सही होगा, बाकी जितने जवाब है सब गलत होंगे। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या चीज दिया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमको यहाँ पे दिया गया है W की वैल्यू कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु, शून्य गतिज ऊर्जा मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0। उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्ध्य मतलब जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो अगर हम आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करें तो ये रिलेशन है E बराबर के मैक्सिमम प्लस W। अब के मैक्सिमम तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, बचेगा कितना, E इक्वल्स W। ओके, अब अगर हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ को अगर हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में नाप रहा हूँ, तो उस समय इन दोनों के का जो रिलेशन होता है E और लैम्डा का वो होता है 12375/λ बराबर। ई का मान इतना हो गया और लैम्डा की वैल्यू कितना दिया गया है, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा पूरा मान, जिसमें लैम्डा किसमें है, एंगस्ट्रॉम में, और बराबर डब्ल्यू का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। यहां से लैम्डा निकाल लेंगे तो 12375/4 डिवाइड कर देंगे तो लगभग 3000 कुछ करके आएगा। तो यहां से देखने के बाद ऑप्शन आपको मिलेगा इतना जो दिया गया है ये इतना लगभग में आएगा, ठीक है। ये तो कौन सा ऑप्शन, तो पहला तो गलत जवाब होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से ये लगभग में आ गए, भाग करेंगे तो 3000 कुछ आता है, 3000 वाला तो ऑप्शन यही वाला मिल रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी है, तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी वेक्टर बी के द्वारा, वेक्टर ई के द्वारा, कि बी डॉट ई के द्वारा, कि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के द्वारा। ओके, तो अगर हम बात करें
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की, तो बच्चों देखिए मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा नहीं होती, क्योंकि दोनों फील्ड उसमें होते हैं। बी डॉट ई दिया है, डॉट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, इसका गुणा करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी जिसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, ये भी गलत जवाब है। तो बचेगा चौथा, यही वाला जवाब सही है। वैसे भी जानते रहो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा हमेशा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वाइब्रेट करेगा और जिधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वाइब्रेट करेगा, इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो दैट मीन्स एक क्रॉस प्रोडक्ट बना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला आंसर ये वाला है, तो चौथा वाला जवाब सही होगा, ई क्रॉस बी के द्वारा। ओके आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आवेश क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वेग वी से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो एक चीज ये ध्यान दो कि जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, ये है, तो दोनों के बीच का एंगल जब समांतर है तो 0 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जिसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, तो यहां से F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो फोर्स कितना हो गया 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लगता, तो ऑप्शन तीसरा वाला सही जवाब होगा, बाकी जितने ऑप्शन है सब गलत जवाब है। ओके तो क्यू वी ये सब गलत जवाब है, ये वाला सही है। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों लिखा है कि फोकस दूरी एफ और यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 2F फोकस दूरी का अवतल लेंस लिया गया है, इनको संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकस दूरी F है जो कि प्लस में होगी, फिर जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है उसकी फोकस दूरी 2F है जो कि माइनस में होगी। अब लिखा है संपर्क में रखने में संयुक्त फोकस दूरी, तो संयुक्त फोकस दूरी मान लो कैपिटल एफ है, तो इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। पहले पुट अप कर दो, 1/f बराबर पहले वाले लेंस की फोकस दूरी एफ है वो भी प्लस में, फिर 1/ ये देखो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो एफ टू का मान रखेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और एफ टू का मान है 2f। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 2f, तो जाएगा 2 - 1 मतलब 1/2f, 1/F equals, F equals 2f। तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी 2f, तो प्लस में, तो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। ओके तो तीसरा वाला जवाब सही होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, ये बच्चों वी नहीं रहता ये न्यू रहता है, ऐसे लिखते हैं, ये जितनी जितनी जगह ये लिखा है तो ये भी न्यू ही है ऐसे रहता है। ओके तथा निरोधी विभव वी के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है और ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में बताया भी गया है, टैन थीटा बराबर ग्राफ की ढाल होती है एच बाई वी। ग्राफ की ढाल कितनी होती है, ग्राफ की ढाल होती है बच्चों जिसको हम लोग टैन से दिखाते हैं, तो ये होती है एच बाई वी के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हम देखेंगे H by E लिख लेते हैं पूरा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, और पहला भी गलत दूसरा भी गलत, ये भी गलत। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनति है, जो पीएन संधि डायोड में देखो अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग में ये चीज पढ़े हैं कि पी टाइप पॉजिटिव पोटेंशियल और एन टाइप निगेटिव पोटेंशियल पे हो,
या वोल्टेज के आधार पे देखें तो पी टाइप हायर वोल्टेज, एन टाइप लोअर वोल्टेज पे होगा। संख्याएं जितनी ज्यादा निगेटिव होती हैं उतना ज्यादा लोअर वोल्टेज होता है। अब जैसे यहाँ पे बात करें तो अर्थ से जुड़ा है, मतलब ये 0 वोल्ट पे है ये वाला, तो इसका वोल्टेज है ये 0 वोल्ट पे है, और इधर ये -10, तो ये लोअर वोल्टेज हो गया और ये हायर वोल्टेज। जितनी ज्यादा निगेटिव उतनी छोटी संख्या, मतलब एन टाइप लोअर वोल्टेज पी टाइप हायर वोल्टेज से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो ऑप्शन पहला सही जवाब है। इस सबको देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो पी टाइप निगेटिव टर्मिनल पे और एन टाइप मतलब पॉजिटिव टर्मिनल या हायर वोल्टेज पे है, पी टाइप लोअर और एन पे हायर। और हमने फॉरवर्ड बायसिंग में क्या चीज बताया, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप हायर वोल्टेज या पॉजिटिव पोटेंशियल पे होना चाहिए, एन टाइप लोअर वोल्टेज या निगेटिव पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पी टाइप निगेटिव पोटेंशियल पे चला गया, इसलिए ये वाला जवाब गलत होगा। तीसरे वाले में अगर हम देखें तो फिर से पी टाइप निगेटिव पोटेंशियल पे है और एन टाइप पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इसलिए ये वाला जवाब भी गलत होगा। इसमें अगर हम देखें तो एन टाइप पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला गया है प्लस में, जबकि एन टाइप पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता नहीं है, तो इसलिए ये वाला जवाब भी गलत होगा। तो कौन सा जवाब सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें हम लोग ये वाला देख रहे हैं। कौन सा? इसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला, जो जिसमें पी टाइप किस पे जुड़ा है 0 वोल्ट से और एन टाइप किस पे जुड़ा है -10 वोल्ट से, वो वाला जवाब सही होगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में है बच्चों, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, यदि आवेशों को के परावैद्युत तार के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल कितना हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन अभी पिछले भी 2 प्रैक्टिस सेट में बार बार रिपीट किए गए हैं, तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है, तो जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए क्या करोगे कि इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे हमको। तो ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहा, ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि यल लंबाई है, यल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है तथा कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। बच्चों अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका फार्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I/R, ये फार्मूला। तो यहाँ पे देखें लिखा है यल लंबाई, हमको रेडियस नहीं दिया लेकिन लिखा है कि इसकी लंबाई कितनी है यल। तो हम लोग यहीं से फार्मूले में देख लेते हैं, इसको पहले अगर इससे बहुत सरल कर लीजिए, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई इसको आप लिख लो 2R। अब यहाँ से सरल करो, देखो यल लंबाई के तार को, यल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मुड़ा जाता है, मतलब जो यल लंबाई है वो इसकी बन जाती है परिधि, परिधि होता है 2 πr, इसको हम लिख सकते हैं π/2R बराबर यल। तो यहाँ से 2R बराबर निकालो, यदि इधर चला जाएगा तो यल अपान पाई बराबर 2R, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट I/2R के स्थान पे ये हो जाएगा यल अपान पाई है तो पाई ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो गया B बराबर म्यू नॉट π/I/L, इतना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। पहले वाले ऑप्शन में देखें म्यू नॉट π/I/L, ये वाला जवाब सही है। यहाँ पे 2 लग गया गलत है, यहाँ बटे में 2 लग गया, यहाँ भी बटे में 2 लग गया गलत जवाब। तो ऑप्शन पहला वाला सही जवाब होगा। आज ये अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है बच्चों, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। तो आप सबको पता है विबग्योर के अनुसार
विबग्योर के अनुसार जो व्हाइट कलर का स्पेक्ट्रम है, श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें बैंगनी का विचलन सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक। और जो रेड कलर है उसका जो विचलन होता है वह सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। तो सही जवाब क्या होगा? बैंगनी रंग। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि एक कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज 40 वोल्ट। तो वोल्टेज हमको दिया गया है V बराबर 40 वोल्ट। का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 80 मिली एम्पियर। कुंडली के प्रेरण प्रतिघात ये से अलग है। बच्चों अगर आपको अच्छे से अल्टरनेटिंग करंट आप पढ़े हैं तो उसमें बार बार ये चीज बोला जाता है, अक्सर प्रेरक प्रतिघात का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, वो जो इंडक्शन के कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वो तो एक तरीके का प्रतिरोध भी है। और प्रतिरोध का हम लोग फार्मूला जानते हैं, वोल्टेज अपान करंट होता है। बस यही वाला फार्मूला आपको लगा देना है। तो एक्सएल बराबर वोल्टेज कितना है 40, और करंट कितना 80 मिली एम्पियर, का मतलब 10^3 एम्पियर। तो 40 एक कम 40, 40 दूनी 80, 10^3 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 10^3 का मतलब 1000, बटे 2 इससे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 500। मतलब एक्सएल की वैल्यू कितना आ गया? 500। तो कितना आंसर होगा? तो 20 ओम गलत, 3.2 गलत, 1 भी गलत, तो 500 ओम सही जवाब होगा। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16वां वाला सवाल। इस सवाल में क्या चीज दिया गया है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिशील है, जितने भी पार्टिकल सब की वेलोसिटी एक ही है, तो सबसे न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा? तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिए कि सबसे न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा। बच्चों देखो, अगर अधिकतम पूछा जाता, पहले तो एक चीज ये जान लो, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स होता है एच अपान पी, तो यहां से एच अपान यम इंटू वी, ये इसका फार्मूला है। अब यहां से देखो, अगर मैं बात करूं एच और वी की, तो एच तो कांस्टेंट है ही, लेकिन वेग भी सबके एक ही है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल का मास जितना अधिक होगा, वह वाला पार्ट उस पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम ही होता है, मतलब ये वाला जवाब गलत होगा। ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन, तो इसका मास ओवरऑल बहुत अधिक होता है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। अल्फा कण की बात करें तो ये तो 2 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन, बच्चों न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से अधिक होता है, तो 2 प्रोटॉन है तो 1 प्रोटॉन तो इसमें है ही है, तो 1 प्रोटॉन के मास को बैलेंस, लेकिन जो न्यूट्रॉन है तो इसमें 1 प्रोटॉन के मास से ज्यादा है, इसलिए इसका न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, अल्फा कण भी गलत बात होगा, न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता, तो कौन सा सही जवाब होगा? न्यूट्रॉन वाला। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या चीज लिखा गया है कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध 2R ओम, ये चीज लिखा गया है 2R ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? तो सवाल में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टेंस इधर, और इधर फिर से एक रेजिस्टेंस, और इसको जोड़ दिया गया एक सेल या बैटरी से, जितने रेजिस्टेंस है सब कितने हैं 2R। और यहाँ पे एक धारा मापी लगाया गया है गैलोनोमीटर, उस धारा मापी का भी रेजिस्टेंस कितना है 2R। ये बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब
बैलेंस ब्रिज का मतलब है बच्चों, जैसे बी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के सेम है तो इस पर कोई धारा जाती नहीं, तो ये वाला प्रभावहीन हो जाता है। जब ये इफेक्टलेस हो जाता है बचेगा ये दोनों इधर से करंट जाएगी इस रास्ते से आएगी, इधर से जाएगी इस रास्ते से आएगी, मतलब टू आर ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी आपस में श्रेणी क्रम में। इधर वालों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टू आर फोर आर। इधर वालों का तुल्य प्रतिरोध वैसे ही निकालेंगे इस वाले पूरे का, ये वाला पूरा भी कितना मिल जाएगा, फोर आर। अब इधर वाला दोनों आपस में कितने होंगे, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध अगर पूरे परिपथ का हम आर डैश मान ले तो आर डैश बराबर आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, यह समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है। तो आर वन आर टू कितना आया, फोर आर इंटू फोर आर डिवाइड बाई फोर आर प्लस फोर आर, मतलब एट आर। एक से आर से आर कट गया, चार दूनी आठ, दो से दो दूनी चार, मतलब कितना आ गया आर डैश की वैल्यू, टू आर। ये इसका सही जवाब होगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा तीसरा भी गलत है, सही ऑप्शन कौन सा है, चौथा वाला। तो कौन सा जवाब सही होगा, फोर आर, ये सही जवाब होगा। ओके आ जाइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चीज दिया गया है बच्चों, लिखा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक कितना होता है। तो न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर गलत जवाब है, न्यूटन प्रति कूलाम गलत जवाब है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गलत जवाब है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर सही जवाब है। अब कैसे, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, कूलाम बल का फार्मूला होता है 1/4πε0। मान लो निर्वात में स्थित है दो चार, तो Q1 Q2 r2, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इधर कर दो, एफ को इधर लेकर के आओ, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटे 4π। अब एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे एफ इंटू बटे में ही आर स्क्वायर, देखो चार्ज का भी कूलाम इसका भी कूलाम, तो कूलाम बोले पूरे कूलाम कूलाम स्क्वायर, 4π का तो कुछ होता नहीं है, पाई एफ का मात्र कितना हो गया न्यूटन, आर दूरी है, दूरी का मात्र मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्र होता है। कौन सा जवाब सही होगा, चौथा वाला। ओके आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता क्या है। तो बच्चों जिस बिंदु के बीच तुल्य धारिता पूछी गई है उसी को हम ले जाकर के जोड़ देते हैं एक सेल या बैटरी से, तो इसको एक सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, ए और बी के बीच पूछी गई है। अगर इधर से करंट या चार्ज आएगा तो चार्ज दो भागों में डिवाइड बटेगा, एक इस रास्ते से जाएगा इधर वाले रास्ते से और एक इधर वाले रास्ते से जाएगा। तो यहाँ पे देखो इधर से जो जाएगा तो उसके लिए चार्ज के चढ़ने के लिए रास्ता सेम है, मतलब ये वाला तीन और ये वाला तीन आपस में श्रेणी क्रम में होंगे और इन तीनों के तुल्य के साथ ये वाला तीन समांतर क्रम में होगा। तो शुरू में तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध मान लो C1 है, तो 1/C1 बराबर 1/3 फिर -1/3 -1/3। तो अगर हम सबका तुल्य निकालेंगे तो 3/3 मतलब C1 कितना आ जाएगा, एक माइक्रो फैरड। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 माइक्रो फैरड है, तो ये आ जाएगा पहले इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध, इसका इसका और इसका। अब ये तीनों के साथ ये 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, इसलिए पूरे परिपथ की तुल्य धारिता पूरे परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे, तो परिपथ की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, परिपथ की तुल्य धारिता को हम मान लेते हैं सी इक्विवेलेंट। तो सी, अब ये तीनों के तुल्य के साथ ये तीन वाला 3 माइक्रोफेरेड, ये वाला 3 माइक्रोफेरेड वाला, ये वाला जो दिया गया है ये वाला समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला सी इक्वेलेंट बराबर C1 + C2। तो C1 का मान 1 माइक्रोफेरेड और C2 का 3, तो बराबर 4 माइक्रोफेरेड, ये इसका सही जवाब होगा। तात्विक सही जवाब है, बाकी सब गलत जवाब है।
आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है बच्चों, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? तो न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? बच्चों आवृत्ति का एक क्रम है, आवृत्ति के बढ़ने का, मैं उसको बता रहा हूँ, उसको खूब अच्छे से समझ लो कि सबसे छोटी आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की। किसकी होती है? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। इसकी तरंग, इसकी जो तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होती है, आवृत्ति सबसे छोटी होती है। इससे बड़ी आवृत्ति होती है माइक्रो की, माइक्रोवेव्स। फिर इससे बड़ी आवृत्ति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड, IR वेव्स। फिर इसके बाद इससे बड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल, मतलब दृश्य प्रकाश, विजिबल रेज, विजिबल लाइट। फिर इससे बड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल से बड़ी बड़ी यूवी रेज, यूवी जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। फिर इससे बड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स रेज। फिर सबसे बड़ी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं गामा रेज। तो अगर हम इधर से ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर आवृत्ति बढ़ती है। जिस क्रम में हमने लिखा है उस क्रम में अगर मैं इधर आऊं नीचे की तरफ तो इसमें क्या चीज होगा? तो यहाँ पे होगा ये चीज कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो आवृत्ति इधर आने पर बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी। मतलब सबसे जो बड़ी आवृत्ति होती है वो किसकी होती है? गामा रेज की। अगर हम इधर से इधर आए तो देखो रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे छोटी, उससे बड़ी माइक्रो या सूक्ष्म तरंग की, उससे बड़ी इंफ्रारेड मतलब आवृत्ति की, उससे बड़ी दृश्य प्रकाश, उससे बड़ी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी, फिर उसके बाद एक्स रेस, फिर उसके बाद गामा रेस। यहाँ पर रेडियो ऑप्शन में है नहीं, ये वाला तो हट जाएगा। पराबैंगनी और कौन कौन सा नहीं, देखो पराबैंगनी है, एक्स है, गामा है, माइक्रो है, विजिबल भी नहीं, दोनों को हटा दें। तो कहा गया सबसे न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी। देखो माइक्रोवेव्स की जो बचे हुए हैं उसमें सबसे छोटी कौन सी है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म वेव, सूक्ष्म तरंगे। तो कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन 4। बाकी जितनी है सबकी आवृत्तियां ज्यादा होती है, तो चौथा वाला जवाब सही होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण का मान बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? हमसे लिखा है कि डेल्टा एम ए के बराबर है तो एन का मान क्या होगा? तो बच्चों आई का फार्मूला हमको पता है, आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम का मान भी ए बाई टू, बराबर कितना हो जाएगा ए टू ए बाई टू, मतलब ए, मतलब आई किसके बराबर होगा? ओके, तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, एन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, तो एन का मान हो जाएगा साइन आई का मान है ए, साइन आर का मान, आर का मान, आर बराबर फार्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है मतलब ए बाई टू, तो आर के स्थान पे ए बाई टू लिख लो। साइन ए को आप ए बाई टू वाले फार्मूले पे सरल करो तो साइन टू साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू, तो इससे ये मर गया, तो एन का मान कितना हो जाएगा? टू कास ए बाई टू। तो कौन सा जवाब सही होगा? काट वाला होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला जवाब सही होगा, पहला वाला जवाब गलत है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? टू कास ए बाई टू। ओके, आज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या चीज लिखा है? जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। तो देखिए जर्मेनियम को
सिलिकॉन या जर्मेनियम दो ही शुद्ध अर्धचालक हैं। उसको अगर पी टाइप में बनाना है तो पी टाइप के लिए हमको ट्राइवेलेंट मटेरियल को इम्प्योरिटी के रूप में मिलाना पड़ता है, तो ट्राइवेलेंट में एल्यूमिनियम आता है। अगर हम पी टाइप को बात करेंगे तो पी टाइप में हमेशा त्रिसंयोजी को मिलाया जाता है। किसको मिलाते हैं? त्रिसंयोजी। अगर हम एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप में हमेशा पंचसंयोजी, पेंटावैलेंट, इस वाले एलिमेंट को एसओबी के रूप में मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे फास्फोरस, एंटीमनी, ये जितने हैं सब बाकी किसमें हैं? पंचसंयोजी। एल्यूमिनियम जो है त्रिसंयोजी है, इसलिए पी टाइप के लिए त्रिसंयोजी चाहिए, तो ऑप्शन टू सही होगा, बाकी जितने ऑप्शन है सब गलत होंगे। आज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में लिखा है अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में या वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे जानते रहो गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ अल्फा कण का प्रकीर्णन मतलब प्रतिकर्षण की बातें हो रही है। चुंबकीय बल ये भी नहीं होगा, चुंबकीय बल होगा लेकिन चुंबकीय बल के कारण नहीं होता, वहां पे चार्ज का कमाल होता है, चार्ज की वजह से प्रकीर्णन होता है। तो चार्ज के बीच लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स होता है वो कूलाम्ब बल या इलेक्ट्रिकल फोर्स ही जिम्मेदार होता है, तो कूलाम्ब बल सही होगा, बाकी जितने ऑप्शन सब गलत जवाब होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी गई बच्चों, संख्या की बात कही गई है, निर्भर करती है। तो देखो जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की दर या संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अगर यहीं पर ऊर्जा कहा जाता तो ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बाकी जितने जवाब है सब गलत है। कौन सा जवाब सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, तीव्रता पर निर्भर करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता। तो देखो बच्चों, सिलिकॉन जो है ये एक प्योर सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? प्योर सेमी कंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी जो चालकता है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तब। प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें हम ऐड कर देंगे इम्प्योरिटी, तो इसके बाद इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो घटने वाला बात गलत है, बढ़ने वाला सही है, परिवर्तित शून्य भी जवाब है। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ये सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आज के इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।